देखिए यहाँ पर जब से सुपरिटेंडेंट और जो प्रिंसिपल जो है हॉस्पिटल के जब से आए हुए हैं, हॉस्पिटल का जो है पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। मैं ये समझा था इससे पहले महमूद साहब थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने एक इस अस्पताल को बड़ी अच्छी तरीके से चलाया और हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन हम तारीफ करते हैं कि जो लोग थे जो उनके वक्त के ऊपर जो पेशेंट था वो ठीक ठाक रहा है। आज की ये बात है जो हमारे प्रिंसिपल हॉस्पिटल के हैं वो जम्मू में लेटे रहते हैं और जो सुपरिटेंडेंट जो जहाँ लगे हुए हैं वो मेडर में लेटे हुए हैं। अब जो जनता वहाँ पर जाती है सही तरह से वहाँ पर ओपीडी में भी जो है डॉक्टर लोग अटेंड सही तरह से नहीं करते और छोटा स्टाफ जो है वो उनकी जो हमारे पेशेंट जाते हैं उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। जैसा कि आज लोग जो मेरे पास आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सीटी स्कैन जो है उसकी फिल्म जो है वो नहीं दी जाती और जो उसके अल्ट्रासाउंड है जितना भी मशीनरी है जिस तरह से चेक किया जाता है उनकी फिल्म जो है वो किसी को नहीं दी जा रही और उसके बाद जो जीआर है वो पूरी की पूरी कटी जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ का जो सुपरिटेंडेंट और जहाँ का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ बैठे हुए कहाँ सोए हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये करप्शन का अड्डा बना हुआ है, क्यों नहीं इनको दी जा रही फिल्म? कोई भी फिल्म नहीं दी जा रही, कोई भी किस्म की। पिछले दिनों की बात है कि डीसी साहब ने बड़े ईमानदार हैं बड़े अच्छे ऑफिसर बताते हैं, मैं तो अभी उनको मिला ही नहीं, तो उन्होंने पिछले दिनों में एक दौरा किया था उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे ये हाल है कि हॉस्पिटल के अंदर फिल्म ही नहीं है। लोगों को बोलते हैं मोबाइल के अंदर लेके जाओ, शरीफ लोग हैं तमाम जो गरीब लोग जो हैं जिनके पास छोटे मोबाइल हैं बटन वाले मोबाइल हैं वो उन लोगों के पास है वही हॉस्पिटल में जाते हैं, अदरवाइज जो अमीर आदमी है वो इस रजौरी से हॉस्पिटल से वो इलाज ही नहीं करवाता, वो तो जम्मू में जाकर इलाज करवाता है। उनके पास कहाँ मोबाइल है, वो कहाँ से वो सीटी स्कैन की वो फिल्म लेंगे या दूसरा लेंगे, ये एक बड़ी गलत बात है। मैं जहाँ के सुपरिटेंडेंट और जहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं वारिस देता हूँ कि जल्द से जल्द, आज एक हफ्ते से लोग परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द इसका मसला जो हल किया जाए, दो चार दिन के अंदर इस मसले को ठीक किया जाए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और अस्पताल के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को वहाँ लेकर के जाएंगे। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का कि दो तीन दिनों में उन्होंने जो विज़िट किया हॉस्पिटल के अंदर, खास करके वहाँ पे जो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द कुछ इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शनें थी या वो रेडियाँ लगी हुई थी उनके बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और डॉक्टरों से भी उनकी बात हुई। मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का। और मैं सबसे ये बात, आज चार पाँच दिन पहले भी एक दिन में हम यहाँ पर आए हैं तो लोगों ने काफ़ी हमसे गुबार लगाए, हमने कहा शायद आज ये वहाँ पे फिल्में नहीं होगी, कल आ जाए, शायद एक दिन दो दिन लग ही सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज पाँच या छः दिन हो गए हैं वहाँ पे जीआर लोगों की प्रॉपर चैनल काटी जा रही है और जीआर काटने के बाद भी लोगों के जो है एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, उन सीटी स्कैन के अगर आप जीआर कटाएंगे तो वो ज़्यादा होगी, अगर किसी को और कोई हेड इंजरी हो जाती है उसके लिए इनके पास फिल्म ही नहीं, ये रिजल्ट कहाँ से देते हैं? मैं प्रिंसिपल साहब और सुपरिटेंडेंट साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो पैसे आप ले रहे हो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? और एक चीज़ बताऊँ कि मैंने एक बंदे से आज मैं पूछा, सुबह में गया तो उसने बताया कि वहाँ से वो सिर्फ ले रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे वो फ़ोटो खींचते हैं वहाँ से फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल में, वो दिखाते हैं जाके डॉक्टर को दिखा, मतलब कि इट्स मीन्स के रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है। जब आपकी फिल्म ही नहीं हमारे पास आ रही, हमारे पास रिटर्न में कुछ कागज़ नहीं आ रहा, तो जीआर किसकी? अगर आपके अंदर इस किस्म की हमदर्दी है कि लोग सफ़र ना हों तो फिर आप जीआर ना काटें लोगों की, इसी तरह उनके एक्सरे करें, इसी तरह उनकी जो सीटी स्कैन है करें, वो डॉक्टरों को दिखाएं, फिर हम माने कि प्रिंसिपल साहब आप ठीक कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब आप ठीक कर रहे हैं। जब आप जीआर काट रहे हो, जीआर काट के भी लोगों को फिल्म जो है जो वो रिजल्ट आता है वो आप नहीं दे रहे, तो ये पैसा कहाँ का है, ये किस किस्म की तांतली है यहाँ पे? प्रिंसिपल साहब का तो क्या कहना, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो जम्मू से चला रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे रजौरी में, जिस तरह अमेरिका चलाता है पूरे हिंदुस्तान को, वो अमेरिका में बैठ के वो पूरे मुल्क को चलाता है, इस तरह वो जम्मू में बैठ के रजौरी हॉस्पिटल, और मेरे भाई ये हॉस्पिटल है, ये कोई और अदारा नहीं है, यहाँ पर हर बार यहाँ पे प्रिंसिपल किसी आदमी को प्रॉब्लम पड़े तो उसने प्रिंसिपल साहब के पास जाना है, जम्मू में बैठ के हैंडल मत करें। मैं ऑनरेबल एमएलए रजौरी को, खास करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे सिंदूर चौधरी साहब से ये अपील करता हूँ कि इस किस्म के जो लोग हैं इन प्रिंसिपल की जरूरत हमें जम्मू में है, रजौरी में नहीं है।
रजौरी में नहीं है, या तो उनको जम्मू भेज दें या कश्मीर में भेज दें, क्योंकि यहाँ पे जम्मू में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें और लोगों से अनसचित तरीके से पैसे यहाँ पे बटोरे जा रहे हैं। इसको ये जो ये धंधा है इसको बंद करें। और मेरे में सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे कुछ मेडिसन्स ऐसी भी हैं जो बड़ी मकदार में मंगाई जाती हैं लेकिन हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं, वो बाहर दुकानों में मिलती हैं। वो मैं तब तक नहीं आपको बोलूँगा जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आएगा। मैं विद प्रूफ आपको बताऊँगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो मेडिकल शॉप पे बाहर भी बिक रही हैं लेकिन अंदर लोगों को नहीं मिल रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं और खास करके प्रिंसिपल साहब और सुप्रिंटेंडेंट साहब से ये कहना चाहूँगा कि इस किस्म के लोगों के ऊपर नकेल लगाया जाए जो जीआर काट रहे हैं। ये जीआर क्यों काट रहे हैं आप? अगर लोगों को फिल्म ही नहीं है तो जीआर क्यों काट रहे हैं? लोगों के साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? लोगों कौन, अगर मेरे भाई आप बताओ, कोई बुद्धल का बंदा, कोई सुंदरबनी का बंदा, कोई पीछे दूर दराज से लोग आएंगे, अगर उसके पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो कहाँ से फोटो लेगा? वो किस डॉक्टर के पास जाएगा? करके हेल्थ मिनिस्टर साहब से। तो अभी तो हुकूमत बन गई है, पहले तो लोग ये कहते थे यूटी है, गवर्नर साहब कहते हैं, आज तो हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, हमारी मैडम जी हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि वो भी कभी रजौरी आए, देखें ये हमारी हॉस्पिटल की क्या हालात है। आपने ये पीजी तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल तो बना दिया लेकिन यहाँ पर मशीनरी रखने से तो कोई काम तो नहीं चलेगा। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, तो इस तरह से जो है ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर जी हैं, मैडम जी से, उनसे हम अपील करना चाहते हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे खित्ते से यहाँ से बने हैं उनसे भी हमारी अपील है, और एमएलए रजौरी से भी अपील है कि वो विज़िट करें और देखें ये इस किस्म की जो धांधलियाँ हैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी की जाए। ये जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं इसके लिए मैं पहले तो हॉस्पिटल के अंदर जाकर सुपरिटेंडेंट साहब से मिलकर डिटेल उनसे जो है वो ले लूँगा, क्योंकि जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं अभी हमें टाइम भी नहीं मिला है। अभी हमें आज इलेक्शन का अकाउंट वगैरह दे रहे थे तो हम वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन साहब से मिले, तो आपने देखा है कि तीन चार दिन भी, और मेरे ख्याल कल भी डीसी साहब पर्सनली उन्होंने हॉस्पिटल का विज़िट किया है, और उसके पहले भी उन्होंने विज़िट किया है, और वो देखा है कि जो आपकी ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने पर्सनली जाकर वर्दी एसएसपी साहब भी साथ थे और डीसी साहब भी साथ थे, और उन्होंने हल किया। अब ये जो आपका इशू है ये तो बिल्कुल सरासर बेइंसाफी है लोगों के साथ, कि अगर मैं आपसे को पैसे दे रहा हूँ तो आपको मुझे फिल्म तो देनी है। मेरे पास ये तो रिप्लाई नहीं है कि मेरे पास जो है वो फिल्म नहीं है और मैं उसका जो है वो फ़ोटो कापी लेकर जो है वो जाकर मोबाइल में जाकर डॉक्टर को बताऊँ, तो मैं कैसे, मैं आपको खुद बता दूंगा ये मोबाइल जो है आजकल काफ़ी लोगों जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको तो हैंडल करने ही नहीं आते, तो ये तो गलत है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको फ़ीस लेनी नहीं चाहिए, वो फिर गलत फीस क्यों ले रहे हैं? ये तो सुपरिटेंडेंट साहब से भी हम मिलेंगे, कल बात करेंगे, तो ये जो ऐसा है इन सब लोगों को जो फीस जो है वो बिल्कुल वापस करनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, और ये मतलब है कि ये गैरआइनी काम है, ये गैरआइनी काम है, इसको बिल्कुल हम रोकेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने ये चीज़ जो है सामने लाई है, और मैं कल ही जाऊँगा वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशनर के साहब के पास, क्योंकि हमें बड़ी खुशी हुई है कि डीसी साहब पर्सनल हर जगह जो है वो देख रहे हैं, वो हर जगह खुद जा रहे हैं और खुद वाच कर रहे हैं कि किस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, कौन सी चीज़ कैसे उसका जो है हल निकाला जा सकता है। और मैं भी यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए कल सुप्रिंटेंडेंट साहब से हम मिलकर बात करेंगे और पूरा उनसे देखेंगे, भाई ये मसला जो दो तीन दिन से चल रहा है, आप कह रहे हो पाँच दिन से फिल्म नहीं, भाई फिल्म नहीं आजकल कौन सा ज़माना है, आप मीडिया वाले तो सोचो आजकल कौन सा ज़माना है कि पाँच दिन से फिल्म नहीं है या तीन दिन से फिल्म नहीं है, ये थोड़ा हो सकता है। आजकल तो एक घंटे में फिल्में आ रही हैं, तीन घंटे लगते हैं जम्मू से रजौरी आदमी आ जाता है, तो ये तो कोई झूठ जो है वो सही बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहता हूँ कि जब तक मैं सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात मिलकर बात नहीं करूँगा तब तक मैं इस बारे में कोई कमिटमेंट जो है वो नहीं देना चाहता। हाँ, कि अगर लोगों के साथ गलत बेइंसाफी हो रही है, गलत पैसा लिया है, तो हम वो पैसा उनको जो है वो रिफंड कराएंगे।